हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं ब्लॉगिंग के थ्रू। ठीक है, आप ब्लॉगिंग से किस प्रकार से अर्निंग करेंगे कि आपका जो है इनकम डे बाय डे इम्प्रूव हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ ब्लॉगिंग से रिलेटेड, जिसके ऊपर आप इस चीज़ को अप्लाई करके आप डेली का $100 से लेकर के आप $2000 यानी फिर उससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। यानी आपका जो है यहाँ पे अच्छा खासा इनकम है होने वाला है। तो किस प्रकार से मैं बताने वाला हूँ, तो बने रहिए आप इस वीडियो में ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ आपको एक भी मिस ना हो। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी प्रकार का वो हेल्प चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको लाइव ब्लॉगिंग कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर पॉपअप हो रहा है, वहाँ से कॉल करें या व्हाट्सअप करें, आपको हमारी टीम कॉल उठाएगी या फिर मैं ही उठा करके आपको जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ब्लॉग से अर्निंग करने के लिए सबसे पहला मेथड जो होता है दोस्तों, वह तो एडसेंस ही होता है। बट दोस्तों, अगर आपका एडसेंस से अप्रूवल ना मिले तो आप किस कैसे अर्निंग करोगे? ठीक है, आप कैसे अर्निंग करोगे? तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको सिर्फ 200 से लेकर के 500 पेज व्यू में ही ज़्यादातर अर्निंग आपको होने वाली है। तो वह किस प्रकार से होने वाली है तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको रिसर्च करना है हाई प्रोडक्ट नीच। ठीक है, आपको रिसर्च करना है हाई प्रोडक्ट नीच, रिसर्च करना है जिसका प्राइस हाई हो। ठीक है, और उसमें आपका कमीशन अच्छा खासा मिले बेचने के बाद। ठीक है, बिकवाने के बाद, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, बट एफिलिएट मार्केटिंग करने का कुछ तरीका बताऊंगा, तो वीडियो को आप यहाँ पे स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देख लें एक बार, उसके बाद ही आप निर्णय लें। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक हाई प्रोडक्ट नीच आपको सेलेक्ट करना है, ढूंढना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं पहला स्टेप में नीच आपने फाइंड कर लिया हाई प्रोडक्ट, उसके बाद दूसरा चीज आपको क्या करना है कि एक ब्लॉग सेटअप करना है, अगर आपको ब्लॉग नहीं है तो। ठीक है, ब्लॉग है तो ठीक है, लेकिन आपको ब्लॉग सेटअप करना है। ब्लॉग सेटअप करने के बाद दोस्तों, उसमें आपको कंसिस्टेंटली आपको 100 से लेकर के 200 आर्टिकल डालना है 3 महीना के अंदर या 4 महीना के अंदर। ठीक है, 3 से 4 महीना के अंदर आपको कंसिस्टेंट होकर के 250 आर्टिकल आपको डाल ही देना है। वो आप जैसे भी डालो वो आपका पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से डालोगे। उसके बाद दोस्तों, जब इस डालने के बाद आप बीच बीच में क्या करोगे ना, 3-4 महीने के बीच में तो आप सिर्फ आर्टिकल डालोगे नहीं, उसके जगह पर कुछ तो करना होगा आपको। तो उसके बीच में आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको सोशल शेयर पे ध्यान देना है। आपको सोशल शेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देगी यहाँ पे दोस्तों, 200-300-400-500 पेज व्यू लाने के लिए। ठीक है, 500 पेज व्यू लाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इनकम करवा सकती है अगर आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो। सबसे पहले सोशल मीडिया का यूज करने के लिए पहला क्वोरा को यूज कीजिए, दूसरा फेसबुक, तीसरा पिंटरेस्ट और चौथा लिंक्डइन और पांचवा यूट्यूब। ठीक है, ये 5 चीज़ें आप यूज कीजिए। अगर आपको नहीं पर भी तो आपको अगर हर प्लेटफॉर्म से 100-100 पेज व्यू आता है तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है इनकम जनरेट करने का। अगर आप इनकम का प्रूफ देखना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, मैं इनकम प्रूफ बहुत ही जल्द रिवील कर लूंगा इस चीज का। ठीक है, बहुत ही जल्द। तो दोस्तों, अगर आप मान के चलते हैं कि 500 पेज व्यू भी आपके पास आ गया, अब आप अर्निंग कैसे करोगे? तो दोस्तों, जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आपने डाला है, ठीक है, बट अभी रिव्यू के लेकर के दोस्तों यहाँ पे लिंक स्पैम वाला या अपडेट आया हुआ है तो आपको बैकलिंक ज़्यादा अभी तक नहीं बनाना, क्योंकि अभी अपडेट चल रहा है, अपडेट रोल आउट हो रहा है। ठीक है, तो अभी तुरंत लिंक्स आपको नहीं बनाने हैं। ठीक है, तुरंत से लिंक्स आपको नहीं बनाने हैं। लिंक्स बनाने के लिए आपको टाइम मिलेगा तो आपको लिंक्स तुरंत नहीं बनाने हैं। अगर आप तुरंत से लिंक्स बनाने लगते हो दोस्तों तो आपका अभी स्पेम में जा सकती है वेबसाइट, रिव्यू वेबसाइट, क्योंकि अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट बनाओगे या फिर आप किसी भी प्रकार के एफिलिएट वेबसाइट बनाओ, इससे आपको मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं गूगल को फर्क पड़ता है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट हाई होना चाहिए। ठीक है, जब आपका ट्रैफिक आ जाएगा, ट्रैफिक आने के बाद आप प्रोडक्ट को जब वहाँ पे ऐड करोगे, प्रोडक्ट ऐसा ऐड करना दोस्तों कि वह अट्रैक्टिव लगे देखने में, और आप सही इन्फॉर्मेशन वहाँ आप लोग उनको शेयर करो और अच्छा से अच्छा लगे देखने में, जिससे आपका भी बेनिफिट हो और यूजर का भी बेनिफिट हो। यूजर का बेनिफिट तो उनका यूजर से बेनिफिट आपको लेना है, तो पहले आप यूजर का बेनिफिट दोगे तब ना आप उनसे बेनिफिट लोगे। ठीक है,
तो उनको बेनिफिट आपको क्या देना है, उनको बेनिफिट के रूप में दोस्तों आपको देना है उनका प्रोडक्ट का सही जानकारी और सही चीजें, सही रिव्यू और कंपेरिजन। ठीक है, मान लेते हैं कि 500 में एक पेन मिल रहा है और 500 में एक पेन दूसरे में मिल रहा है, बट आप बताओगे ना कि दोनों में से कौन सा कंपनी, एक लिंक ग्लेशियर का पेन मिल रहा है, एक आपका कोई और कंपनी का मिल रहा है, तो आप तो ऐसा नहीं हो कि लिंक ग्लेशियर का अगर 500 का लेकिन वह चलता ही नहीं है पेन, तो आप उसको रिव्यू अगर बोल लोगे हाँ अच्छा पेन है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि आपका भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगला बार से आपका आपका वेबसाइट पे उस विजिटर रिविजिट कभी नहीं करने वाला है। ठीक है, और रिविजिट नहीं करेगा तो दोस्तों आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपका एक कस्टमर से आप यहाँ पे करोड़ों रुपये कमा सकते हो। ठीक है, तो मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 10,000-20,000 भी कमा सकते हो महीने का। ठीक है, अगर वैसा कोच मिल जाता तो मेरे पास दो ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके रिलेटेड में हमेशा अच्छा खासा इनकम जनरेट करता हूँ, वो क्लाइंट्स हैं। ठीक है, वेबसाइट पे नहीं आते हैं, वो क्लाइंट्स हैं। ठीक है, उनका एसईओ का मैं एसईओ करता हूँ उनके थ्रू। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि उनसे मेरा मेरे ऊपर उनका ट्रस्ट है और उनका काम मैं अच्छा से करके देता हूँ। तो सबसे पहले आपको फोकस करना, काम आप अच्छा से करके दें तभी आपके लिए कुछ हो सकती है। कहीं पे भी काम करें आप अच्छा से करें, तो प्रोडक्ट आप अच्छा दें, रिव्यू आप अच्छा दें, तो इससे आपका रिव्यू अच्छा होगा ना, और वैसा ही प्रोडक्ट का प्रमोशन करें यूट्यूब हो या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, आप वैसा ही प्रोडक्ट का प्रमोशन करें जियो यूजर को फायदेमंद हो, और कुछ ऐसा प्रोडक्ट का आप रिव्यू ना करें जहाँ से उनका बहुत ही ज़्यादा बेकार रिस्पॉन्स हो। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास भी आते हैं होस्टिंग का रिव्यू करने के लिए, बट मुझे उनसे अच्छा नहीं लगता। मैं वैसे भी अभी तक आपने देखा होगा होस्टिंग का रिव्यू मैंने अभी तक नहीं कर रखा है। ठीक है, होस्टिंग का लिंक्स भी मैं नहीं देता हूँ किसी का, लेकिन अब मैं क्या करूँगा कि होस्टिंग जो सबसे अच्छा होस्टिंग होगी ना उसका रिव्यू मैं A to Z वीडियो में बताने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे देखने के लिए तो आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए वीडियो को, इस चैनल को, ताकि मैं वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आपके भी जरूर से शेयर हो और जरूर से आपके भी पहुंच जाए और आप इन्फॉर्मेशन मिस ना करें जहां पे आपको सही से सही जानकारी मिलने की कोशिश होती है हर वक्त। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे दिक्कतें होती है तो आपका कॉल नंबर प्रोवाइड किया गया, आप कॉल करके पूछ सकते हैं हमें, या फिर आपको प्रोवाइड किया गया है हमारा ईमेल आईडी, हमारा वेबसाइट। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।